अगर गेट से बाहर गया। नमस्कार सर, मैं हूं गगनदीप सिंह गलाटी इंडिया न्यूज से। सर, ये जो डीडीसी का प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किस बेस पे हो रहा है? देखिए, ये कल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, कल शाम को उसने ये प्रोटोकॉल वगैरह को लेके या बाकी जो चीजें थी, तो ये सब हम ये समझते हैं कि ये जमहूरियत का कत्ल है। और ये जितने भी ये डीडीसी लोग मेंबर्स जीत के आए हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें इनपे हैं और बड़े बड़े दूरदराज इलाकों से ये इन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और ये जीत के आए हैं। और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक ही डिमांड है केवल, कि जो गवर्नमेंट ने कल ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर को वापस किया जाए और जो बीडीसी मेंबर्स की डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट फैसला करे। और ये अगर वाकई ये थ्री टायर सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फिर ईमानदारी से इम्पावर करना पड़ेगा डीडीसी को, तब जाके लोगों के मसले का समाधान होगा। अदरवाइज ये हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा मजाक जो है लोगों के साथ किया गया है। धन्यवाद। सही बात है ना, तो आप इसके लिए तो मैंने कहा था तजवीज रखी थी यहाँ पे, जितने भी हमारे यहाँ पे सर सर आप यहाँ पर आइए। केवल चुने हुए डीडीसी मेंबर्स की या वाइस चेयरमैन चेयरमैन की नहीं है, ये जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है उनका एक सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, वो हमेशा से ही उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी की मजबूती के वो पक्षधर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये सारा ये खेल खराब किया गया है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ये सारा षड्यंत्र किया गया है और डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो उन्हें उस वारंट ऑफ प्रोसीजर्स में नहीं है। मैं एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस सफलता के साथ जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए, पूरी दुनिया के अंदर इसकी जय जयकार हुई, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय लोकतंत्र की जय जयकार हुई। और आज जब अधिकार देने की बात है जिला परिषद के सदस्यों को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को, तो हमें खुले दिल से अपने सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को, और साथ साथ जो बीडीसी के भी मेंबर हैं उनको भी डीसी से ऊपर के अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। जिला परिषद के चेयरमैन को कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS का दर्जा हो, वाइस चेयरमैन को डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा होना चाहिए, और जो मेंबर हैं, जो चुने हुए डीडीसी के मेंबर हैं, उन्हें कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो बीडीसी के लोग जीते हैं इनको जिला विकास आयुक्त, जो डिप्टी कमिश्नर है डीसी, उससे ऊपर का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये अच्छे से डिपार्टमेंटों की मोबिलाइजेशन करें, गांव-गांव में पब्लिक दरबार लगाएं, जनता की सुनाई हो,